चितरपुर महाविद्यालय में बीते दिन खराब खाना दिए जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी जानकारी रामगढ़ विधायक ममता देवी को हुई, जिसके बाद विधायक के निर्देश पर कांग्रेसी नेता सुधीर मंगलेश एवं पवन महतो अपने समर्थक के साथ महाविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रवासी मजदूरों से बातचीत करते हुए मामले की जानकारी ली। इस दरमियान वीडियो चितरपुर श्री उल्लास महतो भी क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे और मजदूरों को बांटे जा रहे खाने की गुणवत्ता की जांच की और वहां मौजूद लोगों को सख्त निर्देश दिया कि हर हाल में इन मजदूरों को समुचित व्यवस्था दी जाए, साथ ही इनको बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में युवा नेता सुधीर मंगलेश ने कहा कि हमने खाने की गुणवत्ता को देखा, जो वीडियो साहब की मौजूदगी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से परोसा जा रहा है। साथ ही सुधीर मंगलेश ने कहा कि इन लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाएं जैसे सुरक्षा किट, भोजन आदि इनको दी जाए, जिससे किसी भी प्रकार की इनको दिक्कत ना हो। चितपुर प्रखंड के चितपुर इंटर महाविद्यालय में जो प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिसमें शिकायत मिल रही थी खराब खाना दिया जा रहा है, जिसका आज हम लोगों ने ममता देवी यादव ने विधायक रामगढ़ जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर आज जाँच करने पहुँचे। हम लोग प्रवासी मजदूर से हम लोग हाल चाल लिए, साथ ही आज खाना हम लोग अपने मौजूदगी में वीडियो सर खाना वितरण किए, खाना में काफ़ी सुधार किया जा रहा है। साथ ही हम लोग का यही कहना है कि जितने भी इस क्षेत्र में मजदूर प्रवासी मजदूर लोग आए हैं, सभी को अच्छी तरह से खाना दिया जाए, नहीं तो ये शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी प्रवासी मजदूरों को अच्छी तरह से उन लोगों का देखभाल किया जाए, सारा चीज़ों का व्यवस्था किया जाए, सैनिटाइजर हो या मास्क, सभी चीज़ें सरकार दे रही है तो उन सारे चीज़ों को मजदूरों तक पहुँचाए। न्यूजीलैंड्स चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है